हाय दोस्तों, मैं आज आपको पूजा थाली कवर बता रही हूँ। ये सांचा है जिससे हम फूल बनाएंगे। ये बड़ा फूल बनता है, पर बीच का हम आपको छोटा फूल बना के बताएंगे। बीच का हिस्सा हमको लेना है। बीच का हिस्सा लेके हमें छोटा फूल बनाना है। इसमें आपको जितना मोटा चाहिए आप ले सकते हो। मैंने 2 राउंड लगाए हैं इसमें, इस तरह से। आपको जितना घना चाहिए आप 3 या 4 राउंड ले सकते हैं। इस तरह से हमने इसमें लपेट लिया है, दो दो राउंड लेके। पीछे ले जाके हमें जहां से हमने छोड़ा था वो धागा लेके हमें गांठ बनानी है। इस तरह से हमें मजबूत गांठ लगा देनी है। हमारा ये राउंड हो गया। अभी हमें सिलना है इसको। हमें ये देखिए बीच जो होल दिखाई दे रहा है आपको, पीछे भी ऐसे ही है। ये एक छोड़ के हमको, एक बीच से छोड़ के जिससे राउंड लिया है हमने, जो डंडी से छोड़ के साइड से हमें लेना है। हर एक में लेके हमें होल से निकालना है। इस तरह से हमें ज्वाइंट करना होगा, इसको सिलना होगा। ये देखिए इस तरह से हमने लिया है इसको, 2 राउंड करके हमने सिलाई कर लिया है। बीच होल से डालते जाएंगे हम। मजबूती से हमको खींच के हमें बनानी है ताकि वो गांठ निकले नहीं और हमारा फूल अच्छा बने। इस तरह से हमें हर एक में डाल के और उसी होल से हमें निकालना है। उसी में डाल के हमें निकालना है। मजबूत मोती से खींचिए आप, मजबूती से उसे। हमने इसमें व्हाइट में व्हाइट ही सिलाई किया है। वैसे आप सिलाई करने के लिए दूसरा ऊन भी ले सकते हो। हमने इसमें 2 कलर यूज किया है, रेड कलर और व्हाइट कलर। अब हमको बता रहे हैं आपको, लाल कलर में हम व्हाइट सिलाई करेंगे। रेड कलर का हमने फूल बना लिया है, इसमें हम व्हाइट कलर का सिलाई करेंगे। व्हाइट कलर की ऊन से सिलाई करेंगे इसकी। ये देखिए होल से हमें लेना है, बीच का होल जो हमें दिख रहा है,
इस तरह से इधर होल में डाल के हमें सिलाई करनी है। ऐसी हमने सिलाई करनी है। हमने रेड फूल 18 रेड फूल हमने बनाए हैं, हम स्वस्तिक बना रहे हैं उस हिसाब से हमें फूल बनानी है। तो हम रेड कलर का 18 फूल बनाए हैं और वाइट कलर का हमने 32 फूल लिया है। फिर व्हाइट कलर का हमने 32 फूल बना लिए हैं, रेड कलर का 18 बनाए हैं। इस तरह से हम इसको सिलाई करते जाएंगे पूरी तरह। पूरा हमें सिल लेना है। एक भी हमें छोड़ना नहीं है, हर लाइन से लेना है हमें। बारह कलियां आई हैं इसमें। बारह राउंड आए हैं। इसी तरह हम पूरा सिलाई कर लेंगे, बना लेंगे, इसे बनाते जाएंगे। खींच खींच के हमें बनानी है धागा, ताकि लूज ना हो, टाइट रखनी है हमें। हमने इसमें मोटा ऊन लिया है, यूज किया है। ये हमारी सिलाई हो गई। पीछे ले जाके हमें गांठ बना देनी है, मजबूती से गांठ बनानी है।
इस तरह से हमारा फूल हो गया। हम इसको धीरे धीरे करके निकालना है। इस तरह से सब कड़ी निकाल लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमारा फूल तैयार हो जाएगा। चलिए इसको ज्वाइंट करना हम सिखाते हैं। जबकि हमने दो राउंड लिया था तो दो ही हमें लेके ज्वाइंट करनी है। सिंगल क्रोशिया करके ज्वाइंट करना है। एक चैन लेना है, तीन तीन के भाग में हमें जोड़ना है। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया लिया, एक चैन लिया, दो दो लेना है हमें। इस तरह से हमें जोड़ना है। तीन हमने जोड़ लिया, पांच चैन लेना है, फिर दूसरा हमें ज्वाइंट करना है। इस तरह से आएगा। हम जोड़ते टाइम ध्यान रखेंगे उल्टे की तरफ हमको लेना है, तो हमें स्वस्तिक भी उल्टा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टे की तरफ, उल्टे से स्वस्तिक रख के हम बनाएंगे तो ही सीधे की तरफ सीधा स्वस्तिक दिखाई देगा। तो हमें फूल उल्टे की तरफ लेना है। इस तरह से हम जोड़ लेंगे, पांच चैन लेना है। इस तरह से पूरी लाइन हम जोड़ लेंगे। हम आपको थोड़ा जोड़ के बताते हैं किस तरह से जोड़ेंगे। एक एक चैन लेते हुए सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है हमें। तीन तीन के भाग में हमें जोड़ना है। ये देखिए, तीन तीन के भाग में हमने जोड़ा है, क्योंकि 12 कली है इसमें। इस तरह से लाइन लेके जाएंगे हम। फिर इस तरफ से हमको आपको दूसरी तरफ से भी जोड़ना दिखा रहे हैं, सेम उसी तरफ दूसरी तरफ से भी जोड़ेंगे। ये तीन के लाइन में हम आपको जोड़ के दिखाएंगे। इधर से तीन हमें छोड़ना है, क्योंकि बीच से भी हमको जोड़ना है,
इसलिए 3 इधर से छोड़ देंगे और 3 ज्वाइन करेंगे। पांच चैन लेना है, इस तरह से हमने दो लाइन तीन लाइन जोड़ लिया। एक चैन लेते हुए जोड़ना है बीच बीच में। ये पहली तरफ हम आपको बताएं, ये दूसरी तरफ से अब जोड़ना बताएंगे हम। ये देखिए इस तरह से जुड़ेगा तो दिखेगा ये। दूसरी तरफ से हम जोड़ना दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से उसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी जोड़ना है। पांच चैन लेते हुए जाना है। आपको अगर ज्यादा गैप चाहिए तो आप चैन इसमें ज्यादा ले सकते हो। इस तरह से दोनों तरफ जोड़ते जाएंगे। इस तरह से दो दो लेके हमें जोड़ना है। ये लाइन भी ऐसी जुड़ेगा, ये हो गया। इसी तरह हमें जो भी बनाना है, जैसे कि हमने स्वस्तिक बनाया है तो इसी तरह जोड़ के हमने बनाया। ये देखिए
इस तरह हमने जोड़ के बनाया है पूरा। इसका बॉर्डर आपको बताएंगे हम। इस तरह से दोनों तरफ जोड़ लीजिए। कॉर्नर में ध्यान रखिए, बॉर्डर बनाने के लिए हम चार में डालने के बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाना है हमें, चार में डालेंगे तो हमारा ये चौकोर दिखेगा। कॉर्नर में हमें चार डालना है, बस चार में से हमें निकालना है। डबल क्रोशिया बनाया हमने, दो चैन दिया, फिर तीन बनाया, डबल क्रोशिया तीन, और एक चैन दिया है, फिर इधर से हमने दो बनाया है, डबल क्रोशिया दो बनाए हैं उसके अंदर से। इस तरह से हम बॉर्डर सब बना लेंगे। इसके अंदर हमने डबल कुर्सियाँ, सॉरी इसके अंदर हमने ट्रिपल कुर्सियाँ लिया है ताकि उसके बराबरी पर आ सके। इधर हमने ट्रिपल कुर्सियाँ लिया है, एक-एक चैन लेनी है बीच में हमें। इस तरह से हमें पहली लाइन बॉर्डर बनानी है उसकी, इसके ऊपर एक सादा लाइन हमें बनानी है। ये देखिए सादा लाइन हमने बनाया, उसके ऊपर से एक और दो लाइन बनाया है। अभी हम आपको झालर बताते हैं, इसका रेड कलर से झालर हमने बनाया है। छह चैन लिया हमने, छह चैन कर लेंगे, उसको फंदे लंबे खींच के हम उसके अंदर से पांच क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए उसी चैन में से हमें पांच क्रोशिया निकालनी है। इसको ज्वाइंट करेंगे, फिर नीचे के चैन से हमें इसको जोड़ना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेके इसको ज्वाइंट करना है, फिर पांच चैन हम बनाएंगे। और ये पांच क्रोशिया के बीच में से हमने इसे ज्वाइंट किया है। सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट किया है, इस तरह से हमारा ये झालर दिखेगा। एक बार और बता देते हैं, छह चैन हमने लिया है, सातवें चैन में हमने लंबा खींच लिया है, उसी चैन से हमें पांच फंदा खींचा है, पांच क्रोशिया हमने उसी में से खींच के लिया है। इस तरह से इस तरह से ये गांठ जैसा दिखेगा, उसमें से हमें सिंगल्स जोड़ लेना है। पांच चैन लेके पांच क्रोशिया के बीच से हमें निकालनी है, ज्वाइंट करना है, उसको जोड़ना है। ऐसे करते हुए हमें बनाना है ये झालर। इस तरह से देखिए पूरा ऐसे हम बना लेंगे। छह छह चैन हमने लिया है शुरू में,
क्योंकि एक चैन में से हमें बनानी है। फंदे हमने खींच खींच के लिया है, क्रोशिए के फंदे हमने खींच के लिया है, पांच लिया है। आपको जितना घना करना हो आप उतना लो। इस तरह से हमने बना लिया है। धन्यवाद।